विश्व योग दिवस के अवसर पर चैता दक्षिणी में योग शिविर का किया गया आयोजन। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत चैता दक्षिणी पंचायत के मदरोहा पोखर अमृत सरोवर के तट पर विश्व योग दिवस के अवसर पर योग शिविर का आयोजन पंचायत समिति सदस्य अमित चौरसिया के नेतृत्व में आयोजित की गई, जिसमें योग करने के फायदे क्या है ये बताया गया। वहीं मुखिया प्रतिनिधि कमलकांत राय जी ने कहा, योग करने से तन स्वस्थ और मन शांत रहता है, इसलिए हर एक लोगों को सुबह उठकर कम से कम एक घंटा योग करना चाहिए। मैं भी रोज सुबह योग करता हूं। योग दिवस के अवसर पर अमृत सरोवर में तैराकी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम स्थान लाने वाले स्वच्छता कर्मी चंदन कुमार को मुखिया प्रतिनिधि कमलकांत राय के द्वारा नगद राशि से सम्मानित किया गया। मौके पर सरपंच प्रतिनिधि शिवशंकर राय, अमित कुमार चौरसिया, विकास मित्र दीपक राम, स्वच्छता पर्यवेक्षक सूरज यादव, शिक्षक आलोक कुमार पांडे, राम बाबू राय, बिरजू राय, राजेश्वर राय मोगल, कारीदास राजा शाह, पंकज कुमार राय, जितेंद्र कुमार राम, प्रेमचंद राम, पप्पू कुमार राम, सूरज कुमार सही तमाम स्वच्छता कर्मी एवं पंचायत से संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे। आज योग दिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों को जो करे योग और रहे निरोग का मूल मंत्र जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज ही के दिन 10 वर्ष पूर्व जो हमारी पुरानी परंपरा थी और योग के माध्यम से पूरा विश्व स्वस्थ और निरोग होता था, हम लोग बीच में इसे छोड़ दिए और फिर 21 जून को इस दिवस को इतिहास के पन्नों में संस्मरण के रूप में जाना जाएगा। ये कार्य को देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत में शुरू कर आज पूरा विश्व आज के तिथि को योग दिवस के रूप में मना रहा है। हम अपनी ओर से समस्त चैता दक्षिणी ग्रामवासी समेत उजियारपुर प्रखंड और समस्त जिलावासियों से अपील करना चाहते हैं, जो सबसे पहले तो आपको योग दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और अपने भी योग करें और अपने लोगों को, अपने समुदायों को और सभी लोगों को योग के लिए प्रेरित करें, जो हम लोगों को आज के दिवस को स्मृति के रूप में जो करे योग और रहे निरोग। स्वस्थ चैता, सुंदर चैता का जो संकल्प चैता ग्रामवासियों ने रखा है, उसका एक हिस्सा योग भी होगा। चूँकि हम स्वस्थ तब रहेंगे जब स्वच्छ रहेंगे, सुंदर रहेंगे, तो स्वच्छता बनाने के लिए स्वच्छता जरूरी है। स्वस्थ हम रहेंगे तब हम स्वच्छ बनाएंगे। तो स्वस्थ चैता और सुंदर चैता के संकल्प को सिद्ध करने में आज का तिथि, और अगर हम सभी लोग इसका अनुसरण शुरू कर दें निरंतर, तो हम लोग उसमें निश्चित रूप से कामयाब होंगे। स्वस्थ स्वच्छ चैता, स्वस्थ चैता और सुंदर चैता के संकल्प को पूरा करेंगे। आज के तिथि में समस्त देशवासियों को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। अभी प्रधानमंत्री जी भी योग कर रहे हैं और उजियारपुर के लोकप्रिय सांसद और यशस्वी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी सारंजन में योग दिवस कर रहे हैं, और चैता दक्षिणी में सरपंच प्रतिनिधि शिवशंकर राय जी हैं, पंचायत समिति चौरसिया जी हैं, और तमाम जो स्कूल के शिक्षक हैं, तमाम जो स्वच्छता कर्मी हैं, स्वच्छता पर्यवेक्षक हैं, और तमाम लोग अपने अपने जगहों पर योग का कार्यक्रम रखे हुए हैं। सभी विद्यालयों में योग का कार्यक्रम है, आंगनबाड़ी केंद्रों में योग का कार्यक्रम है, जितनी सरकारी संस्थाएं हैं उसमें भी कार्यक्रम है, और चैता दक्षिणी के मुखिया मीना देवी की ओर से आज का कार्यक्रम मजरोहा पोखर, जो चैता का अमृत सरोवर है, उसके तट पर यह कार्यक्रम रखा गया। और इस तट के माध्यम से, मजरोहा अमृत सरोवर तट के माध्यम से, हम तमाम पंचायतवासियों से अपील करना चाहते हैं, जो आप सभी लोग भी योग को अपनाएं और निरोग रहने का जो मूल मंत्र है उसको हासिल करें, और स्वच्छ चैता सुंदर चैता के संकल्प को सिद्ध करने में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद कमलकांत राय, मुखिया प्रतिनिधि चैता दक्षिणी। योग दिवस की हम समस्त पंचायत वासियों के साथ साथ जिला एवं देशवासियों को भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और साथ ही साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी
योग दिवस के माध्यम से पूरी दुनिया को प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं। जो योग दिवस मना करके या प्रेरणा दे रहे हैं, जो हम स्वस्थ रहने के लिए प्रत्येक दिन योग जरूर करें। योग करने से शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ रखने के लिए प्रत्येक दिन योग करना जरूरी है। यही प्रेरणा देने के लिए देशवासियों को योग दिवस मनाया जा रहा है। हम अपने चैतादशनी के समस्त जनता को, अपने ग्रामवासियों को, अपने तरफ से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि प्रत्येक दिन सुबह उठ करके कम से कम 20 से 25 मिनट हो, 30 मिनट हो, जरूर योग किया करें। और अंत में मैं अपने तरफ से समस्त देशवासियों को और ग्रामवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।